हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपने अपने सारे काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोककर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मंगल और राजू पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापिस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रही हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हम इनकी भी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुँचाए। साथ ही में इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सभी महादेव के दीवाने हर हर महादेव लिखे बिना मत जाइए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक नागिन अपने नाग के मरने का बदला जरूर लेती है, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग के मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। ग्वालियर के एक गांव में ऐसी ही एक अनोखी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई, परंतु फिर उसकी प्रेमिका नाग ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया।
वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों ये घटना है ग्वालियर गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम की। सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वो घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक एक नाग आ गया। क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते आई और सुरेश को उसने डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गई। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डर कर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुंह से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और पास के ही प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ही बता दिया था कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आंख में ये सब कुछ किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश तो कब का शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटों को मारना चाहती है और एक को मारने में सफल भी हो गई है। अब अगर आप अपने दूसरे बेटे राम को बचाना चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छुपी है और मौके की तलाश में है, और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वो शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जप करना होगा, और वो सपेरा राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छुप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोरों से करने लगा। तभी शिव मंदिर पर वो नागिन राम को मारने आई। जैसे ही वो राम को डसने वाली थी अचानक तेजी से बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब कुछ देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई तो वो हैरान रह गया। उस नागिन से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल।